दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है सैटरडे की सुबह, अराउंड 7 o'clock मैं उठी थी, 7:30 उठी थी और अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट, बेसन का चीला। बहुत टाइम बाद बना रही हूँ बेसन का चीला, तो वही सारी सब्जियां डाल के प्याज, स्प्रिंग अनियन, अदरक और टमाटर ऐड किया है मैंने, चॉपर में चॉप कर लिया था सारा कुछ मिक्स करके, और वही बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, अजवाइन और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड किया है। मुझे अभी भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो लॉज का आयरन तवा है, इस पे आपकी रोटी या फिर जो भी आप चीला एंड ऑल बना रहे हो वो चिपक रहा है, तो दो तीन कारण हो सकते हैं। या तो आपका तवा साफ नहीं है, लाइक जब हम रोटी बनाते हैं ना तो जलता है ना वो, तो उसको अच्छे से क्लीन करना है। आप स्क्रब करने से डरो मत, कुछ नहीं होगा, आप अच्छे से स्क्रब करके इसको क्लीन करो और फिर ऑयल लगा के रात भर रख दो, तो फिर से उस पर कोटिंग आ जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड, ऐसा हो सकता है कि तवा बिल्कुल ही ठंडा है। थर्डली, बहुत ज्यादा गर्म है, तो पहले आप तवा को हाई हीट पे गर्म कर लो और फिर कुछ भी डालने से पहले मीडियम हीट पे कर लो या लो हीट पे कर लो, ताकि तवा मॉडरेट टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि एक बार ये गर्म हो जाता है ना तो बहुत लंबे टाइम तक गर्म रहता है। तो ये दो तीन कारण हो सकते हैं, तो थोड़ा ट्राई एंड टेस्ट करो, करते करते डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार जब समझ में आ जाएगा तो इससे अच्छा कुछ नहीं लगेगा। और ये देखो, बिल्कुल नॉनस्टिक पैन की तरह कुछ भी नहीं चिपका है, इजीली ये पूरा पलट जाता है। और मुझे तो आपने देखा, ये लास्ट 2 years से एवरी डे मैं इसे यूज करती हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम होती या फिर मेरी चीजें चिपकती तो डेफिनेटली मैं इसको यूज नहीं करती। साथ साथ चाय भी बना लेते हैं। और सुपर स्टोर से ना हमें ये सूखी वाली तुलसी मिली थी, मैं चाय में ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ साथ ना मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। अब इतना अच्छा मौसम है तो ब्रेकफास्ट के बाद वॉक के लिए तो जरूर जाएंगे, बट वापस आके सबको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, तो लंच की भी तैयारी होके रहेगी तो अच्छा है। और सैटरडे लंच मोस्टली हमारा खिचड़ी होता है, तो मैं खिचड़ी लाइक बॉइल करने के लिए रख देती हूँ इंस्टेंट पॉट में, आके बस जल्दी से मसाला ही बनाना होगा। A smile upon your face, and I see something shimmering. मैंने थोड़े से पालक भी ऐड कर दिए। And they say if you want a glimpse the future you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow? तो ऐसे निकलने के लिए किसने बोला? सुबह सुबह तो लगेगी थोड़ी ठंड। इसमें हमने गेंदे के सीड लगाए थे, देखो छोटे छोटे प्लांट्स आना स्टार्ट हो गए। और लास्ट वीक जो बल्ब्स लगाए थे ना, उसमें से भी प्लांट्स आना स्टार्ट हो गए। अभी हमने सारा कुछ ना अंदर ही रखा है, क्योंकि रात को टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो फिर सारे प्लांट्स खराब हो जाएंगे अगर अभी बाहर रखेंगे तो। आपको देखे तो लग रहा है सही में गर्मी आ गई है। हाँ, सोपनी और केविश का थोड़ा सा हेयर कट किया है डैडी ने, है ना? लड़की लड़की लग रही है, पापा तो करते नहीं है कट की। नौकर नौकर लंबे लंबे बाल रख पूछी तो पूछी करे नहीं, चुपता है चुपता है चुपता है। चिल्ला चिल्ला रे, चिल्ला के चिल्ला का वेजी चिल्ला रे, ये उस गाने से है। पता है मुझे, बता। पानी पानी रे ठारे पानी, माचिस क्या मूवी थी यार। तब्बू आपका फेवरेट, आपकी फेवरेट। हॉट व्हील की दुकान लग गई है सुबह सुबह। ओके दी, ले लो जिसको जो पसंद है वो लेके जाओ। केयूष सारा कुछ दे रहा है, गिफ्ट में दे रहा है सबको। हाँ हाँ, सारा सेल कर रहा है फ्री में केयूष। फ्री आपका फेवरेट कौन सा केयूष? माई फेवरेट, यू कैन पिक टू। ओके, आई पिक दीस टू। ये दो है आपका फेवरेट। Yes, both twins. आज है लॉन्ड्री डे, तो बाहर जाने से पहले कपड़े डाल के आई हूँ वॉशर में, और ये सारे धुल गए हैं, बस सबको फोल्ड करना है। बंद फैन तो आपने हमेशा देखा है, आज देखो चलता हुआ पंखा हमारे यहाँ पे। It's like a truck. ये दोनों बॉयज मिलके क्या कर रहे हैं? अब इतना बड़ा तरबूज कौन खाएगा? इतना बड़ा तरबूज कौन खाएगा? सही बात है। वाटरमेलन जूस राउंड राउंड निकलता है, बहुत सुंदर लगता है।
holes. ये देख. It's like ice cream. Ice cream, watermelon ice cream. Here you go. Ice cream. सही है ना ये? Popsicle है ये popsicle. Popsicle. Watermelon juice. Yum yum. वो लेमन कट करते हैं. लेमन कट भी करते हैं बट जब वाटरमेलन जूस बीच पे जब देते हैं ना कोई रिसोर्ट में जाओगे बीच रिसोर्ट में फिर वो आपको सर वाटरमेलन जूस फिर वो लगा के देते हैं स्ट्रॉ के साथ है ना येशा. येशा लगाती है ना लेमन हमेशा कट करके है ना. कितना अच्छा लग रहा है हरा हरा पीछे सामने से लाल लाल. हम आ गए अपने फेवरेट ट्रेन ट्रैक वाले पार्क में और देखो कितना अच्छा लग रहा है. आप लोगों ने इसको स्नो से कवर्ड देखा है फॉल में देखा है और अब समर व्यू बहुत ही अमेजिंग लग रहा है. जो रिवर फ्रोजन था वो भी अच्छे से पूरा मेल्ट हो गया है बहुत अमेजिंग लग रहा है. रिवर क्या ये सब पूरा हाँ सारा स्नो से कवर्ड था ना. ट्रेन ट्रैक्स तो दिखते ही नहीं थे सब कुछ दिख रहा है और बड़ा सा एरिया ना तो काफ़ी लोग हैं बट सारे दूर दूर हैं और अपना पिकनिक ब्लैंकेट लेके आए हैं बिछा के अपना पिकनिक कर रहे हैं बच्चों के साथ. और हमने तो फिर भी फुल स्लीव्स पहना है बट यहाँ पे तो लोग समझ थोड़ा सा स्टार्ट होता नहीं है कि बस शॉर्ट्स में आ जाते हैं क्योंकि इसका वेट जो करते हैं इतने लंबे टाइम से और मैं बता नहीं सकती लाइक विंटर्स के बाद जैकेट से बाहर निकल के नॉर्मल हल्के कपड़ों में आने की खुशी क्या होती है. एक्चुअली जो दिवाली होली में एक्साइटमेंट होती है ना हमारे इंडिया में यहाँ पे लोगों को समर की भी वही एक्साइटमेंट होती है. और कनाडा में बहुत सारे प्रोविंसेस में स्टे एट होम है बट हमारे प्रोविंसेस में थैंकफुली बाहर जा सकते हैं किसी के घर नहीं जाना है बट आप बाहर ट्रेल पे वॉक पे जा सकते हो. वकेशंस अलाउड नहीं है बट इन द सिटी वॉक के लिए जा सकते हो. और इतना बड़ा एरिया है ना कितने सारे लोग आए हुए हैं बट कोई भी आपके पास नहीं है तो वो मास्क का भी टेंशन नहीं है क्योंकि खुली हवा में अगर मास्क के साथ ही घूमना हो तो फिर वो फ्रेश एयर नहीं मिलता ना. बहुत अमेजिंग लग रहा है ये देखो. Hello, Mr. Blue. Yeah, Mr. Blue. Hi, Miss Pilla. But look, Mommy, I can see the picnic over there. हाँ, picnic कभी और करेंगे बेटा. ये देखो river में हल्का हल्का सा snow दिख रहा है अभी भी, लेकिन melt हो चुका है सब. चौक से बनाया किसी ने पीजी चैंप पीजी फॉर प्रिंस जॉर्ज. किसी भी तरह का वर्कआउट हो जिम में जाओ कुछ भी करो बट ये जो नेचर वॉक होता है ना आई थिंक ये आपके सिर्फ बॉडी के लिए नहीं माइंड एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अच्छा होता है. ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि माइंड में भी हमेशा पता नहीं कितना कुछ केमिकल रिएक्शन झोल मोल होता रहता है कितनी सारी बातें घूमती रहती हैं. तो ऐसे नेचर में अगर आके थोड़ी देर वॉक करो ट्रीज़ के साथ वाटर के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करो तो मन काफ़ी हल्का हो जाता है. और अपने साथ भी कभी कभी बात करना ज़रूरी होता है क्योंकि मन के जो जंजाल जो स्पाइडर वेब बने होते हैं ना कभी कभी इसको क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप अपने आप से बातें करो. आई नो शायद कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या पागलपनी अपने आप से बातें करो बट एक्चुअली इट वर्क्स. मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है. आई एम श्योर बहुत लोग इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि जब भी आप परेशान हो या फिर कोई भी बात आपको परेशान कर रही है किसी बात का आपको सोल्यूशन चाहिए तो अपने आप से बातें करो. ऐसे ही कोई कॉर्नर ढूंढो अकेला सा शांत सा और चुपचाप से बैठ जाओ और सोचो या फिर राइट डाउन कर लो. मैं तो राइट डाउन करके बहुत करती हूँ लाइक पूरे पॉइंटर्स लिख लो जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना सारा कुछ डंप कर दो एक पेपर पे और फिर उसमें से
डिसाइड करो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको क्रॉस करके हटा दो। ये शगा थोड़ा सा टमी एक हो रहा था, अभी बेटर फील कर रही है ना, है ना, वॉक करके अच्छा लगता है। अभी हम यहाँ पे बैठने वाले हैं, यहाँ से ये व्यू इंजॉय करेंगे। जो दूसरे वाले पार्क में गए थे, जो ब्रिज दिखा था ना, वही है ये वाला ब्रिज ना यशा। Take me out to California. Take me out to California. I feel the day. स्नो में आए थे ना, उसके बाद हम आए हैं ग्रीनरी में, तो जगह ना समझ में नहीं आ रही है, लग रहा है कोई नई जगह है क्योंकि ये थोड़ा हिली बना हुआ है लाइक ऊपर नीचे, पर जब स्नो था तब तो बिल्कुल फ्लैट लगता था, तो नई जगह हो जाती है वेदर चेंज होते। हरियाली हरियाली, काश ऐसा ही रहे। नहीं, हमेशा अगर ऐसा रहे तो शायद इम्पोर्टेंस नहीं होगी ना इसकी। जब स्नो के बाद, ठंड के बाद ये वेदर आता है, ये ब्यूटी देखने को मिलती है, तो इम्पोर्टेंस ज़्यादा फील होती है। ये मुझे मस्त लगता है, बीच से जाओ और दोनों तरफ ट्रीज होती है, जब लीव्स आ जाते हैं तो और अच्छे लगते हैं। ये चंडीगढ़ वाली फीलिंग आती है ना, चंडीगढ़ में भी सारे एरियाज में बहुत सारे प्लांट्स है ना, तो ऐसा सा ही लुक आता है। कैसे चल रहे हैं आपके समर्स के? अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी एप्पल खा रहे के यूश, हम एप्पल, बनाना, ग्रनोला बार, ऑरेंज भरकिन, हाँ ऑरेंज खा लो यूश। The streets are paved with gold and no one ever gets old. That's my favorite. Kaun sa letter hai kishi? Why? Why for? Kiska naam start hota hai Y se? Didi. Kya naam hai didi ka? Didi. Didi ka naam Didi hai. Kya naam hai didi ka? Yesha. Yesha starts with Y. Kish K bana ke dikhao. Road pe rakh ke K bana ke dikhao. Here you go, daddy. ये बन गया केयूष का के। केयूष नहीं, बेयर नहीं, डरने की बात नहीं है, देखो इसको, इंसेक्ट को। केयूष देखो इंसेक्ट, कौन से कलर का है ये? ग्रीन। ये देखो विंग्स भी है, विंग्स भी है, उड़ गया। इसका मतलब ये इंसेक्ट फ्लाई कर सकता है। ये वो बरगद के ट्री होते थे ना, वैसा से ही झूलता था, और मेरे ना स्कूल में था तो मैं उसमें झूला झूलती थी ऐसे पकड़ के, बड़ा मजा आता था झूला झूलने में, हाथ कट जाता था लेकिन फिर भी झूलते थे, मजा आता था। ये चलो मेरा पुत्र कहाँ से याद आ जाता उसको। धराशाही टीम, ग्लूकोज पिलाओ इनको, ग्लूकोज। धूप ले रहे हैं हम, क्या विटामिन डी, जादू है ना, हम धूप को बहुत मिस किया तो धूप खा रहे हैं। मस्त नींद आ रही है दोस्तों, सो जाओ बस यहाँ पे और कुछ ना करो। खाना पीना हो गया हमारा, सैटरडे स्पेशल लंच, और येशा यहाँ पे कुछ मैजिक हैट बनाने की कोशिश कर रही है, और अभी केयूष ने बहुत अच्छा काम किया, पता है येशा के ग्लासेस मिल ही नहीं रहे थे, हम आधे घंटे से ढूंढ जा रहे, और केयूष बालकनी में गया और बालकनी टेबल पे रखा हुआ था, इसीलिए केयूष को एक कैंडी मिली है प्राइज के तौर पे, है ना।
गुड जॉब कीयूष, बस तो तुक्के से मिल गया उसको। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने हमारे साथ ये छोटा सा आउटिंग एंजॉय किया होगा। हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया बड़े लंबे टाइम के बाद। लाइक इंतज़ार बहुत लंबा था, बट फाइनली समर्स आ चुके हैं, तो अब तो एवरी वीकेंड हम आपको बाहर ही मिलेंगे और समर वेकेशन में भी बाहर ही मिलेंगे। अभी सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है हमको, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज, कैंडी मेमोरीज। ओके। Fell in love with the way we are and the way we lose it.